लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टेंडर का क्या स्टेटस है? हाँ, अरे वो 200 करोड़ वाला, the 200 crore man, what else will I talk about? Okay, it has to be done. जयचंद राठौर, मेरा भरोसा भगवान में और बढ़ गया, मेरे छोटे भाई नील की वजह से। जानना चाहोगे कैसे? आओ मैं तुम्हें जिंदगी के इस सफर पर ले चलता हूँ। एक पल जाए एक पल आए, वक्त यूं चलता है। उम्मीद लेके रोज नया सूरज निकलता है। जिंदगी हर लम्हा है खुशी, कर इससे दोस्ती वो यारा वे। हर लम्हा है खुशी, कर इससे दोस्ती ओ यारा वे। हर कदम पे कई ख्वाहिशें हैं नई, हर कदम पे नई रोशनी ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे। जिंदगी हर लम्हा है खुशी, कर इससे दोस्ती ओ यारा वे। के भी रोके भर ले तू बाहों में सारे आसमां को, गले से लगा ले यारा सारे जहां को। सपनों का जहां खुशियों का समा, तेरा देख रहा रास्ता। अनजानी डगर अनजाना सफर है, जाना कहां न पता, फिर भी तू चलता जा, करके ये हौसला। मंजिलों की नहीं है कमी ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे। एक पल जाए एक पल आए, वक्त यूं चलता है। उम्मीद लेके रोज नया सूरज निकलता है। एक पल जाए एक पल आए, वक्त यूं चलता है। उम्मीद लेके रोज नया सूरज निकलता है। छा
छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, बदले न जाने कितने रूप जिंदगी। कभी ये हंसाती है कभी है रुलाती है, जीने की अदाएं अक्सर हमें है सिखाती है। मस्ती की लहर बन शाम सहर, बस तू यू ही बहता जा, जो दिल चाहे वही चुन रहा है, तेरा जीवन है तेरा। अपनी शर्तों पे जी हर घड़ी जिंदगी, सब करेंगे तेरी बंदगी। ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे। ऋषि ने कहा था कि वो ट्रैक आके लेके जाएगा। ओके। और समीर तो यहीं हाजिर था अनूप जी और पंकज जी के साथ, गाना भी सुन लिया। अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने मोबाइल में डेट देखी। ओह शिट, आज 16th में है, लेकिन मुझे पता है ऋषि और समीर कहां पर हैं। मैं निकलता हूं। आई विल सी यू। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। आज इन्हें देखता हूं तो गर्व महसूस होता है। इनकी कामयाबी में कुछ हाथ तकदीर का था तो कुछ हमारा, पर इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनके हार ना मानने का जज्बा और एक दूसरे पर जान छिड़कने की आदत। चलो इन्हीं के एक साल पहले की कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। यकीन ही नहीं होता कि एक साल में हमारी जिंदगी में कितना कुछ बदल गया। आज भी अपनी परछाई को देखता हूं तो मुझे वो पागलपंती वाले दिन याद आते हैं, जब हमें हमारे बैंड के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। सारा दिन बस बैंड 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 ऑफ द मिलेनियम। एक्सक्यूज मी। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? मैम, माय बैंड नेम इज ओशन एक्सप्रेस, और कैन यू टेल मी व्हेन इज माय टर्न मैम? जस्ट अ सेकंड सर, यू आर ऑन 20th नंबर। 20th नंबर, एंड अभी कौन सा नंबर चल रहा है? अभी 10th नंबर शुरू होने वाला है शायद। 10th शुरू होने वाला है, 20th। It means it's not gonna take less than 30-40 minutes. Ma'am, एक request है आपसे। मेरा band already ready है। वो नीचे they are rehearsing downstairs. Can you help me? मेरा थोड़ा जल्दी हो सकता है, ma'am, please? Sir, see, rules are rules. So I really can't change the rules for you. I'm really sorry. यार कुछ जुगाड़ लगाते हैं यार। वो देख। I got to rush. मेरी एक बहुत बड़ी meeting है, ma'am. अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा loss हो जाएगा, ma'am. Please, ma'am. क्या बोलता है? कुछ हो सकता है, ma'am. Please. चल अब कुछ करते हैं यार। एक्सक्यूज मी, डोंट वरी मैम, इनकी प्रॉब्लम का हमारे पास एक सलूशन है। हाँ, क्या? अगर आप हमारा साथ दे तो। वो कैसे? वेरी सिंपल, हमारी बारी 15 नंबर पर है, इनकी बारी 20 नंबर पर। तो इनकी जगह हम परफॉर्म कर लेंगे, हमारी जगह ये। दैट्स अ ग्रेट आइडिया मैम। चिंटू, पहले परफॉर्म करने में डर लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, और अगर ऐसी बात है तो एनरोल क्यों करवाया? रिहर्सल्स ही करते रहते। नो, परफॉर्म करने से डर नहीं लग रहा, एक्चुअली इनके आइडिया से हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए बता रहे हैं। ओके। दरअसल बात ये है कि हमारे बैंड का एक पार्टनर अभी तक आया नहीं, और उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, और उसके बिना हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए। देखिए सर, आप लोगों के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिस्ट है ना, ये सीनियर मैनेजमेंट ने बनाई है, तो मैं चाह कर भी इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। So I'm really very sorry. मतलब देख तो लीजिए। Sorry. नहीं, मतलब I'm really sorry. कोई बात नहीं, thanks bro. अब क्या होगा ऋषि? होना क्या है यार? ये बारी भी हाथ से गई, समझ ले उदय यार। यार पता नहीं ये कहाँ रह गया यार, चींटी पे बैठ के या हाथी पे बैठ के। बात तो ऐसे कर रहा था कि अपने बड़े भैया के हेलीकॉप्टर में आ रहा हो। पता क्या कह रहा था? तुम लोग पहुंचो, मैं पहुंच जाऊंगा। और मैंने भी समीर को पहले ही कहा था उसे साथ लेकर आना, लेकिन वो अपने आगे किसी की सुनता कहाँ है। कहने लगा दूध पीता बच्चा है क्या, अपने आप आ जाएगा। आ गया। वैसे वो है कहाँ, समीर का बच्चा? उसे पूछता हूँ है कहाँ। वो देखो, वो रहे जनाब, अपनी परफॉर्मेंस में मशगूल है। अभी निकाल तो इसकी मशगूलियत। क्या यार, पूरे एक घंटे की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे क्या गजब की चीज थी। अभी 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 गाड़ी पटरी पर चढ़ी थी कि बीच में कूदकर सब गड़बड़ कर दिया। यार
तुम लोगों से मेरी खुशियाँ बिल्कुल देखी नहीं जाती ना। तेरी खुशियाँ हमसे नहीं देखी जाती, तेरे दिमाग में ना भूसा भरा है भूसा। यार ये कमाल का इंसान है यार, हमारी लगी पड़ी है मुस्कुरा रहा है यार। अबे तू मुस्कुरा रहा है? अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो बता ना, टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं हम। नील? हाँ नील। ओहो थैंक गॉड यार तू आ गया, हमारी तो जान निकली जा रही थी, अब जाके जान में जान आई। मुझे तो एकदम लग गया था भाई आज तो नाई धोई भैंस कीचड़ में बैठेगी, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि तू जरूर आएगा। और कलयुग है देख, तुझे देखकर कैसे गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हैं। फिर शुरू हो गया यार। ये दोनों कह रहे थे कि तू नहीं आएगा। क्यों? ये बता इतनी देर कहां लगा दी? अब क्या बताऊं यार, मैं तंग आ गया हूं मेरे भाई से। एंड मौके पर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, वही पुराना घिसा पिटा लेक्चर शुरू कर देते हैं। देख यार नील, ये म्यूजिक हमारा सब कुछ है, लय और सुर की तरंगे हमारी सांसों की डोर है, और ताल ताल हमारे दिल की धड़कन। हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने के लिए, इसलिए प्लीज बी सीरियस यार। नील, तुझे भगवान ने बिना मांगे सब कुछ दिया है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है तू, और हम एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। हमें अपना घर चलाने के लिए बाहर काम भी करना पड़ता है और टाइम निकालकर रिहर्सल्स भी, क्योंकि म्यूजिक हमारा पैशन है, और सिर्फ तेरी वजह से ये मौका हाथ से निकलेगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे या मेरे घर के पीछे जाकर मेरे और मेरे भाई की बहस सुन रहे थे। यही सारी बातें वो भी मुझे सुना रहे थे। तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो, लापरवाह हो, तुम में अकल नहीं है। लेकिन मैंने भी उन्हें कह दिया, एक दिन आएगा जो हमारा होगा। तेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अरे ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। माना तेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन जीने के लिए तुझे मैच्योर और लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। यस यू आर राइट, सही कह रहा है। अकल से पैदल हो क्या तुम लोग? नहीं, पगला गए हो क्या? अरे 20-25 की छोटी सी उम्र में सीरियस हो जाएंगे तो 40 साल तक लाइफ से बोर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कंठी माला जपेंगे? अरे 40 की उम्र होती है सीरियस होने की, ये नहीं। इस उम्र में तो फुल एंजॉय करो यार, फुल मस्ती करो। जब पॉकेट गरम होती है ना बेटा, तभी मस्ती सूझती है। चलो अंदर चलकर दिल और दिमाग पर कॉन्सेंट्रेट करें, अगली बारी हमारी है। चलो। नंदिनी जुमानी का वीडियो शूट भी इन्हें मेरी वजह से देखने को नसीब हुआ, और इतने मस्त हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला, और इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। रही तेरी झलक पर पाई नहीं, तुझसे
पल पल लगे जैसे कई कई अरसा, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, हो रात आया मीठी मीठी चांदनिया, सुन सुन रे दीवाने मुझे मत तरसा मत तरसा, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, हो रात आया मीठी मीठी चांदनिया। सतरंगी अतरंगी सपने सजे थे मेरी अखियों में, कैसे बुझे हाय दिल की लगी बिन तेरे मद भरी रतियों में, और सजन दिल में बजी याद की तेरी बांसुरिया, प्यार बन के तू आज शबनम बरसा, प्यार बन के तू आज शबनम बरसा, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, कोई करके बहाना मुझे मिलने तो आ मिलने तो आ, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, सुन सुन रे दीवाने मुझे मत तरसा मत तरसा, रात आया मीठी मीठी चांदनिया, मीठी चांदनिया, रात आया मीठी मीठी चांदनिया। मजा आया, मजा आया ना। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ऑडिशन के लिए। कहाँ थे आप लोग? जजेस कितनी देर से आप लोग का इंतजार कर रहे थे? हम लोग तो यहीं थे, आप हमें बुला नहीं सकती थी। और आपके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर था ना, तो एक कॉल कर देती तो क्या बिगड़ जाता आपका? Sir, that's your problem, not mine. मैं हर किसी को ढूंढने नहीं जा सकती। लेकिन आपको पता था कि हम यहाँ आए हैं, तो यहीं कहीं आसपास होंगे ना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अंदर परफॉर्मेंस चल रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं है? We are sorry, sir. लेकिन ये कह रही है कि हम ऑडिशन नहीं दे सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते? सर, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर टाइम व्हिच वाज अलॉटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द ऑडिशंस, और अभी लोग हल्ला मचा रहे हैं। आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आए? नहीं सर, दरअसल मैं समझाता हूँ, बात ये है कि ये नंदिनी की परफॉर्मेंस देखने अंदर चला गया, और हम जब इसे ढूंढने हम वापस चले गए सर। हाँ। और क्या यार? और सर, सच में नंदिनी का परफॉर्मेंस इतना धमाकेदार था कि हम अपना ऑडिशन ही भूल गए। लेकिन सर, अब जब हम वापस आ गए हैं तो ये कह रही है कि हम अपना ऑडिशन का चांस खो चुके हैं। हाँ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई अनजाने में आपसे गलती हो वो तो माफ की जा सकती है, लेकिन डांस देखने में आप इतना बिजी हो गए कि आप अपना ऑडिशन देना भूल गए, टाइम पे पहुंचना ही भूल गए, इसकी आपको सजा मिलेगी। और आप लोगों की सजा ये है कि इस बार आप लोगों को ऑडिशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा। आइए जलोटा साहब। सर, ये सजा एक कलाकार के लिए मौत से भी बदतर सजा है। तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं यार, सोच रहा था दया खाकर एक चांस तो दे देगा। हो गया। वाह वाह, तो तुझे भी याद था? हम में से कोई भी इस जगह को कैसे भूल सकता है? आज हमारे पास सब कुछ है, पर उन दिनों का जादू, उसकी बात ही कुछ और थी। सही कहा यार, पैसे ना होने के कारण ढाबे पे खाना खाना। और जानते हो मेरे बारे में इनकी क्या राय थी? हा? उनके तो ठाट ही कुछ अलग थे यार।
कहा बिटिया, जय बाबा ने कैंप का प्रोग्राम अचानक बनाया? जरूर उसका कोई बिजनेस डील अच्छा गया होगा। हाँ। अरे काका, आपने नील को तो बता दिया होगा? हाँ, हाँ बिटिया, मैंने नील को बता दिया था। नील बाबा का फोन आया था कि बिटिया लेक के लिए निकल चुकी है और जय बाबा थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ। तो फिर वो आता ही होगा। हाँ हाँ। टॉमी, टॉमी, कम 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 कम, होल्ड इट, गुड बॉय, कम ऑन, कैच इट। बिटिया, मुझे टॉमी से बहुत डर लगता है। पता नहीं नील बाबा भी कैसे कैसे शौक पालते हैं। काका, नील को डॉग्स बहुत पसंद है और अब टॉमी हमारे परिवार का हिस्सा है। बिटिया, तुम किसी बात से परेशान हो? हाँ काका, कल जो नील और उसके दोस्तों ने चैनल में हंगामा किया, उस बात का पता जय को चल गया अपने प्रेस के कॉन्टैक्ट्स के जरिए। और अब जय ने नील को चैलेंज करने की सोची है। वो उससे कहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे सारी दुनिया में, हर चैनल में, हर अखबार में उसकी खबर छपे। तो जय नील का म्यूजिक प्रमोट करेंगे। मैं जानती हूँ कि नील अपने भाई के सहारे आगे कभी नहीं बढ़ना चाहेगा, और जय भी ये बात जानते हैं, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया है कि नील को चैलेंज करेंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि नील को हारना बिल्कुल पसंद नहीं, और जय इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे। जय बाबा बिल्कुल अपने बड़े साहब की छवि हैं। बड़े साहब बातों बातों में अपनी बात ऐसे ही मनवाया करते थे मानो जैसे कल की ही बात हो, और बड़े साहब को यहाँ आना बहुत ही पसंद था। हाँ, जय को आज भी यहाँ डैड के होने का एहसास है। अरे काका, हाँ? आप जय का ब्रेसलेट बनवा कर लाए? हाँ बिटिया, ब्रेसलेट में तो जय बाबा की जान है। डैडी का जो है, जय को लगता है कि उसके लिए बहुत लकी है, डैडी का आशीर्वाद है उसमें। और अब वो ब्रेसलेट नील को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नील लाइफ में उनसे भी ज्यादा तरक्की करे। अरे काका, लगता है जय आ गए। आप टॉमी को संभालिए, मैं आई। ठीक। हाँ? ऋषि, क्या बोलता है? यहाँ कैसे भाई? कैसा है भाई? बस बढ़िया। और बता, भाभी जी कैसी हैं? अरे एकदम मस्त यार। यार तेरा सही नहीं है। क्या? चुपके चुपके शादी कर ली और पता है तक नहीं। अरे नहीं यार, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बुला पाया। आई एम सो सॉरी यार। कभी घर आना, चाय पिला दो भाभी के हाथ की। आऊंगा ना भाभी जी के हाथ की चाय पीने। हाँ। वैसे 2-3 कब होने का विचार है? अभी नहीं यार, खर्च इतने हैं, आमदनी कुछ है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी भी बड़ी मुश्किल से घर चला पा रहा हूँ यार। देख ऋषि, दोस्त होने के नाते एक एडवाइस देता हूँ, अगर अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कर, नहीं तो तेरी मर्जी। यार सपने देखना अच्छी बात है, देख मैं तुझे हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरी बात सुन। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। सपनों की जिंदगी से बाहर आ, चल मेरे साथ सऊदी। लेकिन यार मेरी बीवी अकेले क्या? अरे यार, मैं तुझे कौन सा कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए सेटल हो जाऊँ वहाँ पर। सिर्फ 2 साल की बात है और फिर तेरे सपने सारे होंगे अपने। गुड मॉर्निंग। ओ आंटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप ही का घर है। ओ पोपो भी है। हाय पोपो, हाउ आर यू? काली बिल्ली आ गई सुबह सुबह, तेरा मुंह देखा। अब भगवान ही भला करे मेरा, जरूर कोई अपशगुन होगा, मेरा तो पूरा दिन खराब होने वाला है। तू कितना मेहनत करता है, देखो तो कितना वीक हो गया है तुम। नॉट गुड। ये लो, ये ना खा लो। आंटी क्या है ये? ये मैंने पुट्टे बनाए हैं। ओ क्या बात है प्यार की, मैं तुम्हारे वास्ते। हाउ स्वीट ऑफ यू आंटी। कैसा है? बहुत अच्छा आंटी, माइंड ब्लोइंग, ऐसा लगता है कि आपके हाथ चूम लूं। थैंक यू आंटी, आप इस अनाथ की कितनी फिक्र करती हैं। नो नो अनाथ, तू अनाथ नहीं है, तू हमारा बेटा है, छोकरा है। थैंक यू सो मच आंटी। अच्छा तो मैं जाती हूँ। ओके आंटी।
Oh no! मेरे नोट्स, म्यूजिक, पोपो, I'll kill you! मार डालूंगा तुझे, हाँ? देख तूने मेरी सारी मेहनत बिगाड़ दी है, देख तूने क्या किया, हाँ? I'll kill you! Wait, क्या कर रहा है? रख दे उसको, और बीमार हो जाएगी। क्या बोला तुम? तुम मार डालेगा मेरी पोपो को? मैं तुमको मार डालेगी। अरे मर जाए, मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अरे क्या बेकार कर दी है, कुछ भी नहीं है। किधर है? वहाँ देखो, मेरी पूरी मेहनत बेकार कर दी है, देखो यहाँ पे। अरे तो क्या हो गया है, खाली पेपर के ऊपर में गिरा है ना, फिर से लिख लेना ना। अरे क्या लिख लेना, खाने का काम है लिखना इसको। अरे चुप, तुम क्या समझता है, देखो मेरे को गुस्सा आता नहीं है, हा? और अगर आता है ना तो फिर बहुत आता है, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन मर्डर यू ऑल्सो। और वन मिनट, तुमको मैं बोल देती है इवनिंग तक में 3 महीने का मेरा रेंट वो तुमको दे देने का, अगर नहीं देगा तो मैं तुमको ऐसा धक्का मार के निकाल देगा। हाँ हाँ दे दूंगा, नहीं दूंगा तो चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ तो चला जाना, कौन रोक रहा है तुमको, इधर रोज एक पेइंग गेस्ट आता है। अरे कोई नहीं, अरे आने वाला यहाँ पे, जब तक ये पोपो यहाँ पर है कोई नहीं आएगा यहाँ पे, जा रहा हूँ मैं। नील के आगे शर्त रखते ही मुझे विश्वास सा हो गया कि अब नील मेरे साथ कंपनी को चलाने पर मजबूर हो जाएगा। हाँ मैं उसके म्यूजिक करियर को भी बढ़ावा दूंगा। अरे मेरी जान जो बचती थी उसमें, बस एक दफा उसे कंपनी के चेयरमैन के रूप में देखूं। यही सोच के मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे, पर मुझे क्या पता था कि ये खुशियां कुछ ही पल की थी, क्योंकि नील जो अगला कदम उठाने वाला था वो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच लेगा। इसको क्या हुआ? तेरी तो पोपो ने पुंगी बजा दी, लेकिन इसकी किसने बजा दी? इसकी बीवी ने। लगता है इसकी बीवी ने रात को इसे लात मारी है, तभी यहाँ पर ऐसे मुंह लटका के बैठा है। सीरियस हो गया भाई वो। I'm so sorry यार, अगर तुम्हें हमारी बात बुरी लग गई हो तो। यार हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। हाँ यार, लेकिन बता तो सही हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ये हमें नहीं बताएगा? हाँ फिर चलो भाभी से पूछ लेते हैं। कोई फायदा नहीं है, उसे भी कुछ नहीं पता। और सच बात तो ये है, जब मैं ही शोर नहीं हूँ तो उसे क्या पता। हाय दोस्तों। हाय नील। हाय नील। हाय, ये लो। ये ले, फिलहाल इससे काम चला ले। थैंक्स मैन। क्या अच्छी हवा चल रही है यार, ये चौमू बहुत लकी है, इसका चाचा इसके लिए क्या खूबसूरत घर छोड़ के गया यार। अरे ओ भाई, अब उनका यहाँ कुछ भी नहीं है, सब खाली है, सब टेम्पररी है। चलो यार चलते हैं, अब नील भी आ गया, रिहर्सल करते हैं। कैसे? मतलब कैसे का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बिना गाने के रिहर्सल कैसे करेंगे। अरे यार, तूने तो रात को फोन करके कहा था कि बड़ा जबरदस्त कॉम्पोजिशन तैयार किया, और अब कह रहा है कि भाई किस दुनिया में है तू। अरे पूरी रामायण खत्म हो गई और तू पूछ रहा है कि राम कौन है। अभी आधे घंटे से हम लोग किस मैटर पे बात कर रहे थे। छोड़ यार रिहर्सल। अब तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, वही पुराना खेल जो मैं और मेरे भैया खेलते हैं। उन्होंने मुझे फिर से चैलेंज किया है। क्या? कि अखबार के फ्रंट पेज पर अगर मेरी न्यूज छप गई तो वो हमारे बैंड को सपोर्ट करेंगे। अरे तो करना यार, करना। अगर तेरे भैया सपोर्ट करेंगे तब तो अपनी बल्ले बल्ले है। अरे हाँ यार, तेरे भैया की पोजीशन इस शहर में बहुत अच्छी है, हम तो स्टार बन जाएंगे। करूंगा करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि अपना सपना पूरा करने के लिए मुझे अपने भाई के सपोर्ट की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैंने हारना नहीं सीखा। वो बात तो सही है यार, लेकिन हम फ्रंट पेज पे आएंगे कैसे? हाँ यार, देखते हैं यार, कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। अरे मेरे पास भी एक आइडिया है। अपना आइडिया अपने पास रख, समझा ना? मिल गया आइडिया फ्रंट पेज की न्यूज बनने का। कैसे? ये देख, मिस फोटोजेनिक स्वाति शर्मा, इसका किडनैप कर लेते। अबे चुप कर, पागल हो गया क्या तू? अरे कुछ नहीं होता यार, शी इज अ प्रोमिनेंट पर्सन एंड प्रोमिनेंट पर्सन ऑलवेज मेक्स ब्रेकिंग न्यूज। इसको किडनैप कर लेते यार, ब्रेकिंग न्यूज अपने आप बन जाएगी। क्या बोलते हो यार? आई एग्री विद यू नील। यार ऋषि लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए। क्या बोलता है? अबे क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गया क्या तुम? मजाक वाली बात में भी सीरियस हो जाते हो। और नहीं करना भाई मुझे ऐसा एडवेंचर, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे घर परिवार चलाना है। और वैसे भी मुझे सऊदी में जॉब का ऑफर मिल गया। क्या? जॉब का ऑफर सऊदी में? एक सेकेंड, इसका मतलब यह है कि तू हमारे साथ बैंड में नहीं रहना चाहता।
क्या बात कर रहे हैं यार? हम सब ने साथ मिलकर ये बैंड बनाया था और तू इसे छोड़ने की बात कर रहा है? अरे इतना बड़ा फैसला कर लिया और हम लोगों से छुपा के रखा तूने? मैंने कुछ नहीं छुपाया है, मैं बता देता लेकिन बात जब तक पूरी पक्की ना हो जाती। अरे क्या खाक बताता तू? शट अप ऋषि, तू कहीं नहीं जा रहा और तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो। बड़ा सोचो यार, और लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ी रिस्क लेनी ही होगी। हाँ हाँ बड़ा करना है, लेकिन इस तरह का बड़ा नहीं करना है नील, ये रिस्क है यार। पता नहीं तुम लोगों को आज क्या हो गया है। भाई मेरी एक बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, कौन देखेगा उसे? मेरा यकीन करो ऋषि, मैं तुम्हें ऐसी किसी भी मुसीबत में नहीं फंसाऊंगा जहां से हम सब कभी नहीं निकल सकते। तुम सब मेरा साथ दो यार, फिर देखना कल हमारा होगा। कम ऑन यार ऋषि, लेट्स डू इट। हाँ यार नील, यार प्लीज एक बार फिर सोच ले यार। सोचेगा तो सोचते ही रह जाएगा, शायद फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। हम सब साथ मिलके कोशिश करते हैं यार, देखना हम जरूर कामयाब होंगे। और अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो आगे की गेम प्लान के बारे में सोचते हैं। ये हुई ना बात। लेकिन एक बात है, गेम प्लान करने से पहले हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो स्वाति को जानता हो। हाँ यार सही है ना? करता हूँ यार कोशिश। What's up guys? All good bro? Hey. और दोस्तों क्या बातें चल रही थी? पता नहीं यार, ये उदय की सुई साक्षी पे क्यों अटक जाती है? अबे हमेशा मैं ही क्यों यार? Come bro, come sit. देख हम जानते अब वो तेरी जिंदगी के सुर और ताल दोनों है। हाँ वो तो है, पर उस वक्त वो सिर्फ एक जरिया थी हमें स्वाति से मिलाने की। स्वाति का मिलना हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अरे ऋषि, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है यार। और कैसे हो? सच कहते हैं साक्षी, जिनको सच्चे दिल से याद किया जाता है ना, वो मिल ही जाते हैं। भगवान भी। बस बस अब ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहलाओ मत। ओ स्वाति, तुम इसे जानती हो? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से। ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट तुम तो शादीशुदा होकर इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? मजाक कर रही हो तुम। वैसे तुम इसे जानती कैसे हो? लास्ट ईयर हम एक फैशन वीक में मिले थे। ओके। और उसके बाद से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या मिलवा सकती हूँ इससे हमें? हमें? हमें क्यों? दरअसल हम एक एल्बम बनाने जा रहे हैं। नो डाउट हम अच्छा गाते हैं बजाते हैं, लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। अगर ये हमारी एल्बम में मॉडल रहे तो हम हिट हो सकते हैं। और इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, इसका भी फायदा है। तो फिर डन, मैं जरूर इससे तुम्हें मिलवाऊंगी। थैंक यू सो मच साक्षी, यू आर सो क्यूट। और यार वो साक्षी की बर्थडे पार्टी, हाय हाय हाय। चाहे ना मिलो तुम कभी, चाहे हो जाओ अजनबी, तेरे दिल में रहूंगा मैं फिर भी। हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हो लगे हिचकिया जो कभी तुझे याद में आऊंगी, आह बन के दिल में रहूंगी। हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी
फसाने में जिक्र तेरा आ ही जाएगा, संग बीता हर लम्हा याद आएगा, याद आएगा। कोई गीत जब गाओगे मुझे लफ्जों में पाओगे, मेरे बिन अधूरी लगेगी जिंदगी, हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी। चाहे ना मिलो तुम कभी, चाहे हो जाओ अजनबी, तेरे दिल में रहूंगा मैं फिर भी, हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी। इसी जगह तो प्लानिंग करके साक्षी को कह के स्वाति को नहीं बुलवाया था, डरा कर गाड़ी में भी तो बैठाया था। उसी से उसी के पीआर से प्रेस वालों को बुलाया और उन्हीं प्रेस वालों के सामने स्वाति को उठाकर हम जंगल में ले गए। नील और उसके दोस्त स्वाति को उठाकर तो ले गए, पर पुलिस और प्रेस के दलदल में साक्षी फंस के रह गई। और अपने आप को बेबस पाकर जब उसने मुझे फोन किया तो मैं कांप उठा। मुझे लगा कि मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगा और किसी भी तरह नील को ढूंढ कर उसे अंधेरे अंधेरे में जाने से रोकूं। क्या समाज उसकी इस नादानी को माफ कर पाएगा या उसे अपने अपराध की वो सजा देगा जिसे मैंने आज तक उसे परे रखा। अरे राइट ले, राइट ले यार, क्या कर रहा है यार, चल यार जल्दी कर, जल्दी कर, चल चल जल्दी चल। अरे कहां से जाने, बस बस अरे रुक रुक यहीं पे, यहीं पे रोक दो, निकलो जल्दी जल्दी आ जाओ, हां निकलो 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 निकलो, चलो यार अरे जल्दी करो यार, आराम से चल, अरे कोई नहीं कोई नहीं, देखिए आ जाओ चलो आराम से, अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलो 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 चलो, अरे जल्दी लेके चलो उसे यार, अरे चलो यार चलो 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 जल्दी चल यार, बातें बाद में करो चलो, अरे चलो यार आराम से आराम से, थक गई हो यार, शहर में दम घुटने लगा था। इस घने जंगल में आसमान और वादियों के बीच में जो मजा है वो एयर कंडीशन बंगले में कहाँ है। क्यों ऋषि, मजा आ रहा है ना? देख भाई, मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाएगा, मुझे तो मेरी बीवी की बहुत याद आ रही है। उसका चेहरा देखे बगैर मेरे दिल को चैन कहाँ मिलता है। व्हाट्सअप साक्षी, ये क्या हंगामा है? और नील जी कहाँ है? नील ने मेरी फ्रेंड को किडनैप कर लिया है और वो भी बंदूक की नोक पर। व्हाट, क्या बोल रही हो तुम? जो मैंने देखा वही बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ओह माय गॉड। हेलो सर, देयर इज सीरियस ट्रबल सर, नील जी ने स्वाति का किडनैप कर लिया सर, एंड द वर्स्ट पार्ट इज सर, सारे मीडिया वालों ने इसे कवर किया सर। यस सर। क्या कहा, मेरी बेटी को किडनैप कर लिया? किसने इतनी हिम्मत की, किसने चीफ मिनिस्टर मनोज शर्मा की बेटी को किडनैप करने की जरूरत की? कौन है वो? चीफ मिनिस्टर की बेटी का अपहरण, मिस फोटोजेनिक स्वाति शर्मा का किडनैप, जाने माने उद्योगपति जयचंद राठौड़ के भाई नील राठौड़ ने किया अपहरण। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला, शहर में चारों तरफ नाकाबंदी। आखिर कब तक ऐसे चोरों की तरह भागते रहेंगे हम? यार हम कोई पेशेवर अपराधी तो है नहीं कि जो पहले से रास्ते में अपने ठिकाने बनाए रहते हैं, हमें तो आगे जाने का रास्ता भी नहीं मालूम, जाएं तो जाएं कहाँ? अरे रिलैक्स बड़ी, हमें तो सिर्फ तब तक बचना है जब तक कल का अखबार नहीं छप जाता, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे यार, उसके बाद फ्रंट पेज पर अपनी न्यूज होगी और हम चैलेंज जीत जाएंगे। मैं घर पे मैसेज कर देता हूँ। अरे यार अब ये सोचो आगे करना क्या है, पुलिस से हम हर तरफ से घिर चुके हैं, रास्तों पर नाकाबंदी लग गई है। समझ में नहीं आ रहा कि ये पुलिस कुत्तों की तरह हमें ढूंढ क्यों रही है, और वो भी इस मामूली सी लड़की की वजह से। मामूली,
तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छी तरह से। साक्षी की दोस्त स्वाति। यही तो तुम मार खा गए मिस्टर नील राठौड़। तुमने मेरा पूरा परिचय लिया ही नहीं। मैं स्वाति शर्मा हूँ, चीफ मिनिस्टर मनोज शर्मा की बेटी स्वाति शर्मा हूँ मैं। जरा देखो तो कैसे बेवकूफ बना रही है हमें। जरूरत कहाँ है बनाने की, वो तो तुम कब के हो। और सुनो, मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, मैं चाहूँ तो तुम सबकी जिंदगी नर्क बना सकती हूँ। लग गए, हम तो गए काम से। मैंने तुझे पहले ही कहा था मत कर, मत कर ये सब, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अबे तेरा भाई तो करोड़पति है, तेरा भाई पैसे फेंकेगा तू बच जाएगा, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। अब तो मेरी बीवी मुझे पक्का तलाक दे देगी, वो भी एक क्रिमिनल के साथ क्यों रहेगी। सब खत्म हो गया यार। मैं भी पुलिस वालों से साफ साफ कह दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा प्लान तेरा है। Come on guys, तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा किसी को भी। देखो स्वाति, हमने तुम्हारा किडनैप किया है बस एक चैलेंज जीतने के लिए, और हमारा सपना पूरा करने के लिए हम लोगों ने यह सब किया है। हमारे साथ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ट्रस्ट मी, प्लीज हमारी मदद करो। पर तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फायदा, क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद, किस लिए? ले लिया? पर कब लिया? क्या? अरे भाई, जो अभी अभी इसने कहा किस। मैंने कब कहा कि इसने मुझे किस किया? अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे अभी अभी तो इस लड़की ने कहा किस लिए। उतर। जोर से तो नहीं लगी? क्यों, एक गाल काफी नहीं था, दूसरे को भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। सिर्फ 24 घंटे की तो बात है, मंजूर? हाँ, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है भाई, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मैम कहाँ है मिस्टर राठौर? जय ऑफिस में होंगे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों, आपको नहीं पता आपके देवर के कारनामों का? किसी की भी बेटी को उठाकर ले जाएगा। मैम प्लीज बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? ओ कान खजूरे, आराम से। यार जल्दी। अरे जा रहा हूँ ना। चल ना। आउच। क्या हो गया स्वाति? मुझे चोट लग गई। अरे अरे तुम लोग रुक जाओ। ए ऋषि देख, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं भाई, मुझसे किसी का जख्म देखा नहीं चाहता। यार ये लड़की, नारे बाबा ना, मैं नहीं छूंगा, मुझसे गड़बड़ हो जाएगी। तू देख क्यों क्यों तेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तू देखा के? कहाँ लगी है? यहाँ पर। अब ठीक है, चलो चलते हैं। चलो यार, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अबे पागल हो गया तू, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, और हमारी गाड़ी वहाँ पास में रोड पर खड़ी है, पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं, और वो गाड़ी देखकर सब लोग समझ जाएंगे कि ये लड़की, मेरा मतलब हम सभी लोग यहीं कहीं आसपास हैं। और अगर बेटा पुलिस के हाथों आज लग गए ना, तो जो पड़ेगी हमारे यार। तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो फिर इसे सहारा देकर चलते हैं। ए भाई नील, कम से कम अपना हाथ तो दो। देना। चलो। एनीवेज चलो चलते हैं। हे भगवान, ध्यान से चलना। अरे संभल के। अरे पर नील, अच्छी बात है, इस जंगल में, इस खुले आसमान की वादियों का जो मजा है, वो शहर के एयर कंडीशन बंगले में कहाँ। गला खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइन पे आ रही है लड़की। जय तुम्हें नील के बारे में पता था? उसने मैसेज किया था क्या? ऑफिस में भी प्रेस? जय तुम फौरन घर चले आओ। मैंने तुम्हें मना किया था ना। नील को चैलेंज मत करो। डोंट वरी, मैं हूं ना, घर आके सब समझाता हूँ। अब ना जाने वो कहाँ होगा। लेट मी कम होम, मैं घर आकर सब समझाता हूँ। किस हाल में?
अच्छा है, मैं जयचंद राठौर के घर में खड़े होकर उसे चुनौती देता हूँ कि अपनी सारी दौलत अपने भाई को छुपाने में लगा दे, क्योंकि जिस दिन भी मेरे हाथ लगा ना, उसे राजनीति का सबक नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम मनोज शर्मा नहीं। मेरी बेटी को अगवा करके मेरे मुंह पे जो कालिक लगाई है ना, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। चलो। अरे यार, अब तक तो ये खबर हर न्यूज चैनल पर आने लगी होगी। और मेरी बीवी अब तक तलाक के पेपर ले जाकर वकील के पास जा भी चुकी होगी। अबे देख, मेरी तरफ आ रही है। पक्का कुछ प्लान बनाकर आ रही होगी। तूने देखा, मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। अबे झूठी मुस्कान कहते हैं इसको, जरूर कुछ गड़बड़ है, देख लियो। नहीं। अच्छा, तुम में से किसी को पेड़ पर चढ़ना आता है क्या? ना ना जी, हमें नहीं आता। हाँ, मुझे आता है, मुझे आता है, तुम्हें सिखा दूं? तुम्हें भी नहीं आता है, मुझे किसी और से सीखना है। फंस गया नील, कौन से पेड़ पर चढ़ने की बात कर रही है ये? कैसे इंसान हो तुम लोग, सुबह से इस जंगल में घूम रहे हो, भूख नहीं लगती? खुद तो घर से भरपेट खा के निकले होगे, क्योंकि तुम्हारा ये प्री प्लान था। मैंने तो ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। पहले तो मुझे भूखा मारोगे, फिर सहायता करने के लिए कहोगे। अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, पुलिस सुन लेगी और आकर तुम लोगों को पकड़ लेगी, तो मुझे मत कहना। हाँ यार, सुबह से मैंने भी थप्पड़ों के अलावा और कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, थोड़ा अंधेरा होने दो, फिर बाहर जाकर कुछ खाते हैं। अंधेरा? तब तक तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। नील यार, कुछ कर यार, अगर इसे कुछ हो गया ना तो फिर। अरे वो सब ठीक है, लेकिन इस जंगल में मिलेगा क्या? अरे चिल्ला मत, आगे चलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो यार। हाँ चलो। अरे इसका पर्स तो ले लो। अरे क्या हो गया? अरे चल देख रहे, अभी अभी जंगल के पास से गाड़ी बरामद हुई है सर। सेट अप, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। मैंने गाड़ी नहीं, उन चारों लड़कों को पकड़ने के लिए कहा था। फॉलो देम। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ यार, अब देख। हाँ, खाने का जुगाड़ हो गया। अबे नील, अबे चल, मार मार मार। ये ले बेटा। अरे अबे यार, तुम लोग पेड़ पर मार रहे हो, मुझे मार रहे हो? अरे जब पत्थर मारा था, नीचे हटना चाहिए था, नहीं हटेगा तो लगेगा ही ना। ओके, इसके सर पे मारेगा तू? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? अरे देख यार, क्या हो रहा है, किसका पत्थर है ये? किसका पत्थर, किसका पत्थर? क्या पत्थर पे क्या नाम लिखा होता है? अरे यार, शायद तेरा पत्थर तुझे लग गया होगा। अबे क्या यार। अरे मुझे भी किसी ने मारा। क्या हो रहा है, कौन मार रहा है यार? अरे ये मार रही थी वो। आखिर लग तो गया निशाने पर। निशाना तो हमारे दिल पर लग ही गया है। तुम्हें भूख लग रही थी ना, अब हमारा सर मत खाओ या आम खाओ। इससे मेरा क्या होगा? कमिश्नर, कहाँ सोए हो तुम लोग? तुम पुलिस वाले हमेशा सोते ही रहते हो। 3 घंटे हो गए मेरी बेटी को अगवा हुए, और तुम लोग पता लगाने तो दूर, उनको पकड़ तक नहीं पाए। नकारा हो गए तुम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं सर। अरे कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जिस राज्य के सीएम की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, वहाँ की जनता अपने आप को कैसे सेफ समझेगी, समझे? मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। यस सर, यस सर। अरे उदय। हाँ, आजा भाई। बहुत गर्मी है, पानी फिर शुरू हो गया इसका। यार इन हसीनाओं के नखरे बिना कमाल के होते हैं। छोड़ना यार, मैं आसपास के किसी तालाब या झरने से पानी लेकर आता हूँ। तालाब? पानी के बगैर भले ही मैं मर जाऊँ, पर किसी गंदे तालाब का पानी कभी नहीं पीऊंगी। तो? मुझे मिनरल वाटर चाहिए। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस घने जंगल में मैं मिनरल वाटर कहाँ से लाऊं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुमने किडनैप करने से पहले सोचा क्यों नहीं था? रखोगे कहाँ, खिलाओगे क्या, पिलाओगे क्या, सोचना चाहिए था ना। अरे यार, हमने इसे किडनैप किया या इसने हमें? मरे तो मरे, मैं इस घने जंगल में मिनरल वाटर कहाँ से लाऊं? हद करती है यार ये लड़की। देखो, अगर मैं मर गई तो तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे हाथ से गई। हाँ? और तुम दोनों
तुम लोग 20 साल तक किसी जेल के छोटे से कमरे के कोने के अंधेरे में चक्की पीसते हुए बिताओगे और जब निकलोगे भी तो बूढ़े हो जाओगे और बुढ़ापे में बेरोजगार दर दर की ठोकरे खाते हुए कुंवारे मर जाओगे। कुंवारे? और ये इसका क्या? ये तो करोड़पति का भाई है। यही मौका है इसकी हमदर्दी पाने का। नील तो वैसे ही थक गया है, वो नहीं जाएगा इसके लिए पानी लाने। अगर मैं कहीं से इसके लिए मिनरल वाटर ले आऊं तो मेरा काम बन सकता है। समीर, मौके पे चौका लगा। नहीं, देखो मुझे कुमारा नहीं मरना, मैं तो जा रहा हूँ पानी लेने। रुक, मैं जा रहा हूँ पानी लेने, चारों तरफ पुलिस है। अरे ये जवानी किसी हसीना के, मेरा मतलब है इंसान के काम आए तो जीवन सफल हो जाता है। साला लड़की देखी नहीं, दुम मिला के पीछे भागने लगता है। मनोज शर्मा ने उसी दौरान देश के दुश्मनों पर हमला बोल दिया था, इसलिए दिल में एक डर सा बैठ गया था कि उनके एक्शन की वजह से स्वाति को तकलीफ हो सकती थी, पर स्वाति की सिक्योरिटी को साथ में ना ले जाने की जिद ने उन्हें झिंझोर कर रख दिया था। बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि पुलिस को कंट्रोल बोर्ड द्वारा इत्तला की जाए कि कार्रवाई गुप्त तरीके से करें ताकि प्रेस और पब्लिक द्वारा दुश्मनों को स्वाति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। बेटा समीर संभल के। वाह बेटा, लगे रहो, तुम उधर लगे रहो, मैं इधर लग जाता हूँ, देखूं क्या है इसमें। हमारे आने तक पुलिस उन तक नहीं पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना और अपने बंदों को इस काम पर तुरंत लगवाओ। अपने साथियों की रिहाई का यही मौका है। चीफ मिनिस्टर की बेटी, ये नजराना हम फरीद भाई को जरूर पेश करेंगे। वो चारों लोग इसी जंगल में छुपे हुए हैं। चप्पा चप्पा छान मारो इस जंगल का। जी, जी हाँ। पकड़ो। क्या पकड़ा है? नहीं, हमारा मतलब है कि कोई दिखे तो पकड़े ना। सर, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? अरे बेवकूफ, उनके पास गाड़ी है, जब वो सड़क के रास्ते जाएंगे तब मैं गाड़ी से पीछा करके उनको पकड़ूंगा। पीछे से पकड़ना है? हम नहीं, हम लोग। अरे आज तो अपनी लॉटरी लग गई, अब उन सबको बताऊंगा मुझे निकम्मा कह रहे थे। अब जब 5 स्टार का खाना खाएंगे ना तब मेरी तारीफ करेंगे। एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जयचंद का लड़का बड़ा हैंडसम और स्मार्ट है। हाँ। और अब तक तो उस लड़की को उसने मिसेज बना दिया होगा। क्या है बाप, शादी करवाता नहीं होगा। इसीलिए वो लड़की को लेकर भाग गया। अब जंगल में मंगल मना के 4 दिन के बाद हनीमून बना के वो घर पहुंच जाएगा। चलो किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं, 3-4 घंटा आराम कर ले। साहब का फोन आएगा तो बता देंगे कि कोई मिला नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं जंगल जंगल। हाथ दो। अबे उदय, हाँ? मेरा फोन कहाँ है भाई? अरे देख, वहाँ तेरी जेब में होगा यार। अरे हाँ, मेरी बीवी का फोन आएगा यार। इस जंगल में नेटवर्क कहाँ से मिलेगा जो बीवी का फोन आएगा इसे। पीटेगा क्या? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, पूरा जंगल छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। अरे बाप रे। कोशिश कर रहे हैं कुछ हुआ? हाँ सर, बाद में बात करता हूँ। ये कुछ गिरा इधर, पानी भी आ गया। अरे खाना भी मिल गया। अबे समीर क्या कर रहा है यार? अबे समीर को मार पत्थर से। बालको, हमसे तुम्हारी ये भूख और प्यास देखी नहीं गई। हम अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते, इसीलिए हमने तुम्हें ग्रिल्ड सैंडविच और मिनरल वाटर दिया है। दबा के खाओ, पियो और मस्त रहो। थैंक यू। अरे वाह, कलयुग में ऐसा भगवान हो सकता है? अब सुनो, वो सभी बालक नादान हैं, उन सबको छोड़ दो जी। और अभी के अभी इस जंगल से बाहर निकल जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। गेट आउट। अबे तू तो हमारे लिए पानी लेने गया था, यहाँ बैठा क्या कर रहा है? और वो तू पुलिस वालों से क्या कह रहा था? अरे बाबा, 1 मिनट पहले ये तो पूछो मैं क्या लेके आया हूँ। तुम लोगों के लिए जान पर खेल कर मैं पानी, सेब और सैंडविच लेके आया हूँ। तुम लोगों ने थैंक्स तो बोला नहीं, ऊपर से चढ़े जा रहे हो। और तो और, मैंने उन पुलिस वालों को भी अकेले भगा दिया ताकि हम में से कोई पकड़ा ना जाए। यारो, आज रात तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। क्यों, रात भर उसे घूरता रहेगा क्या? हाँ देख, घूर लेना, पर कुछ गड़बड़ मत करना। तू भी ना हमेशा उल्टा ही सोचता है। यार आज तो मुझे भी नींद नहीं आएगी यार।
क्यों भाई, तेरी बीवी यहाँ आ जाएगी क्या? क्योंकि रात में तो तू सिर्फ अपनी बीवी से डरता है। अरे महानुभाव, आप भी हैं? कहाँ गायब हो गए थे मिस्टर नील? हाँ हाँ हाँ, सुन लो, जितनी मस्ती करनी है कर लो, न जाने कब मौका मिलेगा आज रात के बाद। देखो स्वाति, हमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया, लेकिन हम दिल के बुरे नहीं हैं। अखबार की हेडलाइन बनने के लिए और शर्त जीतने के लिए ये सब कुछ किया था, और वैसे भी अब तो तुम सब कुछ जानती हो, और ना समझी में हुए इस अपराध के लिए हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। मगर स्वाति, तुम मुझ पे एक एहसान कर दो, इन तीनों को तुम माफ कर दो। चाहे तो इनकी सजा तुम मुझे दे दो चलेगा, क्योंकि ऋषि शादीशुदा है, उसकी अपनी हस्ती खेलती छोटी सी गृहस्थी है। समीर के माँ बाप और नील के भैया और भाभी को उससे बहुत उम्मीदें हैं, पर मेरा क्या, ना माँ ना बाप ना ही कोई परिवार, बिल्कुल अकेला हूं इस दुनिया में, बिल्कुल अकेला। उदय, रो मत यार। ए, खड़ा हो। ऋषि, बना दिया ना गैर, हमें दिखा दी ना अपनी औकात, खुद को दोस्त कहता है। खुशियां साथ मनाएंगे और गम सिर्फ अपने हिस्से लेगा तू, ये बेईमानी हम तुझे नहीं करने देंगे दोस्त। ए, तूने क्या सोचकर कहा कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है? हा? अरे हम लोग नहीं है क्या? मेरी बात सुन, अगर आज के बाद गलती से भी ये बात अपने मुंह से निकाली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। सॉरी यार। उदय, मुझसे राखी बंधवाओगे क्या? हाँ, बंधवा ले। कल इसी हाथ पर हथकड़ी पहनवाएगी। समीर, क्यों? जिस हाथ पर मैं राखी बांधूंगी उस पर हथकड़ी क्यों पहनवाऊंगी? मेरा फोन कहाँ है? कहीं गाड़ी में तो नहीं रह गया? लगी तो नहीं है। नील, मुझे अपना फोन दे दो, मुझे डैड से बात करनी है। ये लो। मैंने तुमसे नहीं नील से कहा है, ये तो मेरा फोन है। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरा फोन है? पहले ऑन तो कर लो। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। हेलो स्वाति। अरे स्वाति बेटा, अरे कहाँ है तू? वो सब मैं बाद में बताऊंगी पापा। अरे बेटा, तू अच्छी तो है ना? आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं उन चारों को छोड़ूंगा नहीं। पापा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। बोलो बेटा। मैं जहाँ बोलूँ आप कल वहाँ गाड़ी भेज दीजिएगा और प्रेस को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अरे ये क्या कह रही है तू? मैं पूरी बात आपको वहीं समझा दूंगी। ये लड़के बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओके, आई विल सी यू टुमारो, बाय। अरे स्वाति, स्वाति, ये क्या बोल रही थी? प्रेस को बुलाई, ये अच्छे लड़के हैं? ये स्वाति भी ना बस। प्रेस क्यों? क्योंकि मैं प्रेस के सामने ये डिक्लेयर करूंगी कि पूरी किडनैपिंग मजाक में की गई थी, और मैं कहूंगी कि मैं भी इस मजाक में शामिल थी, और फिर हम सब अपनी गलती की माफी भी मांग लेंगे। लेकिन यार, हमें तो सारी सच्चाई मालूम है, पर साक्षी, उसे तो कुछ नहीं मालूम, बेकार में परेशान हो रही होगी यार। अरे कल सुबह तक तो उसे भी पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। हाँ यार। अरे स्वाति,
हे भगवान, क्या हाल होगा इसका। हाय साक्षी, डोंट वरी, जितना बताया उससे ज्यादा अच्छे हैं ये सब। इनके साथ मुझे बहुत मजा आया। सबको सताती रहती हूँ, स्पेशली नील को। इसके साथ बिताए पल मैं हमेशा याद रखूंगी। एक बात जो मुझे आज तक तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, मैं पहले से ही नील को पसंद करती थी। एनीवे, बाकी बातें कल बताऊंगी। अच्छा बच्चू, बड़ी छुपी हुई रुस्तम निकली ये तो। थैंक्स अ लॉट। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू सो मच। अगर तुम थैंक यू कहना ही चाहते हो तो मुझे अपना ये ब्रेसलेट दे दो। थैंक यू। यू आर वेलकम। देखो स्वाति, वहाँ सब संभाल लेना, ठीक है ना? वहाँ पर जाकर पलट मत जाना। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। चलिए आइए मैडम। चलो यार, चलो तुम लोग यहीं रुको। अरे क्या हुआ मैडम, साथ में जाइए। नील तुम फिक्र मत करो, ठीक है? तुम जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। अरे यार, लेकिन नील, अरे लेकिन नील, मैं क्या करूँ यार उसके। अरे पर, अरे लेकिन हमें साथ में जाना। हम कौन सी गाड़ी में जाएंगे भाई साहब, इसमें? यहाँ। अरे यार क्या चक्कर है, अरे क्या कर रहे हैं, देखना यार क्या कर रहे हैं यार ये लोग। सर स्वाति कहाँ है? जवाब दीजिए, जवाब चाहिए। कहाँ है वो? सर बताइए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल देर रात मेरी बेटी का फोन आया था। वो सुरक्षित है। उसी के कहने पर आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है, और आपके उन सवालों का जवाब मेरी बेटी ही देगी। ये तो बताइए कि वो है कहाँ? आ रही है, आ रही है। ये जयचंद का प्यादा यहाँ कहाँ से आ गया? लगता है जयचंद को इस बात की खबर लग गई। हो सकता है किसी पत्रकार ने बताया हो, या उसके भाई ने बताया हो, या हो सकता है किसी पुलिस वाले ने बताया हो। हो सकता है सर। ऑफिसर, लगता है वो लोग आ गए। प्लीज आप रुक जाइए। आ जाओ भाई। कहाँ है मेरी बेटी? वो आ रही है। सर आ रही है। आ रही है? कैसे आ रही है? सर वो दूसरी गाड़ी में आ रही है। पीछे दूसरी गाड़ी? हाँ। हमने तो एक ही गाड़ी भेजी थी। क्या? नहीं तो सर, मैं सच कह रहा हूँ, वो दूसरी गाड़ी से आ रही है। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बताते क्यों नहीं हो? सर हमने कुछ नहीं किया, मतलब वो आ रही है उसी से। अरे आ रही है, आ रही है। कहाँ आ रही है? अरे सर दूसरी गाड़ी में आ रही है, आपने ही तो भेजी। गिरफ्तार कर लो कम वक्त को। जब पता चला कि नील को गिरफ्तार कर लिया गया है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टूट कर रो पड़ूंगा, पर मुझे टूटना नहीं था, मुझे अपनी भावनाओं को दबाकर अटूट रहना था। मेरे नील के लिए, मेरे अन्नु के लिए। काश मुझे पहले ही मेरे नील के आने का पता होता, पर तब मैं इस बात से अनजान था कि वकील का कुछ न कर पाना, नील का गिरफ्तार हो जाना, इन सब बातों में कुछ और ही छुपा था। ऋषि, भाभी। मेरी भाभी? ओ तेरी, अरे ऋषि देखना, भाभी कितनी अच्छी है, साथ में बेल कराने के लिए वकील भी लेके आई है। बेल? वकील साहब जरा बताइए इन्हें डिटेल। हाँ जी हाँ, ये आपके डिवोर्स के पेपर हैं, आप यहाँ साइन कर दीजिए। देखो उर्मी,
प्लीज मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्रिमिनल्स हो तुम लोग, किडनैपर्स हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? और ऐसा करते हुए तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था ना, मत करो ये सब, मत करो। हमने ले आई ना डिवोर्स के पेपर्स। सुनिए भाभी, प्लीज प्लीज आप परेशान मत होइए, आप मेरी बात सुनिए। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हम पर भरोसा कीजिए आप। हम बहुत बहुत जल्दी यहाँ से छूट जाएंगे। हाँ। और छूटने के बाद देखना हम कैसे धमाल करते हैं। धमाल करोगे? इतना धमाल तो पहले ही कर चुके हो तुम लोग। कल से तुम्हारी धमाल की खबरें ना न्यूज़पेपर से टेलीविजन पे पूरी दुनिया में धमाल कर रही है। टीवी अखबार में जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। हाँ। सच नहीं है। हाँ। तो फिर सच क्या है? क्या है सच? सिर्फ अखबार के फ्रंट पेज के न्यूज बनने के लिए हम लोग ने ये सब किया है, बाकी कुछ नहीं है। वी आर नॉट क्रिमिनल्स। सच्ची। चलिए वकील साहब जी। उर्मी उर्मी उर्मी, इट्स ओके ऋषि, संभाल खुद को। सॉरी यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अन्नु मेरी ताकत थी, साथ ही मुझे अन्नु और नील के भरोसे पर भी तो खरा उतरना था। नील को किसी भी हालत में इस मुसीबत से निकालूंगा, ये ठान के ही मैं आगे बढ़ता गया। जय जय, तुमने चैलेंज के तौर पर मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे नील को कुछ नहीं होने दोगे। तुमने कहा था कि तुम ये चैलेंज जीतोगे। तुमने ये भी कहा था कि तुम मनोज शर्मा को मुंह तोड़ जवाब दोगे। हमारे ही घर में आके हमें वो चुनौती देकर चला गया, हमारे मुंह पर तमाचा मार कर चला गया कि हमारे नील को घुटनों के बल लाएगा। माना कि मेरे नील से गलती हो गई, पर वो कौन होता है मेरे नील को मारने वाला? How can you allow it, Jay? How? सर, जो पुलिस वाले आपकी बेटी को लाने के लिए गए थे, उनमें से एक कांस्टेबल की लाश जंगल में मिली। सर, अब उन चार लड़कों का क्या किया जाए? थर्ड डिग्री इस्तेमाल करो उन पर। उन कमबख्तों की वजह से हम पर ये मुसीबत आई है। यस सर, यस सर। अरे इतनी जोर से मत मारो, मर जाऊंगा। क्या कह रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मत मारिए मत मारिए। हमारे रहते हुए चीफ मिनिस्टर की बेटी को लेकर भागेगा, किडनैप करेगा? अरे हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे हीरो को तो ठीक करके रखते हैं हम। तू क्या सोचता है? हाँ, मार मार के मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तू फिर कभी ऐसा करेगा? हालत खराब कर दूंगा। फिर तू ऐसा करेगा? फिर तू ऐसा काम करेगा? बोल बोल, अब तू करेगा? मेरा बोल? भाई जरूर आएगा। अच्छा, तेरा भाई आएगा, उसे भी हम देख लेंगे। वो कैसे निकालेगा तुझे, वो कैसे तुझे बचाएगा? अब तू ऐसी हालत में पहुंच जाएगा कि तेरा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। यार, वो एक डिसीजन ने हमारा क्या क्या बदल दिया। हाँ यार, पुलिस की मार ने तो हमारी चाल ढाल ही बदल दी। और जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, हम आतंकवादियों की गिरफ्त में जा फंसे। टॉमी, हमारा नील आएगा, जरूर आएगा टॉमी। हेलो मैडम, हम वकील लोग चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आज मैंने भगवान को इन बच्चों को बचाते हुए देखा। क्या बच्चों को बेल मिल गई? वो मनोज शर्मा का वकील वाकई आज केस जीत जाता अगर एन वक्त पे साक्षी वहाँ पर नहीं पहुँच जाती और स्वाति का दिया हुआ मैसेज मजिस्ट्रेट को नहीं बताती। स्वाति ने उसे जंगल से मैसेज भेजा था? ये तो हम पता लगा चुके हैं कि आतंकवादी स्वाति को उठा कर ले गए। स्वाति को आतंकवादी उठा कर ले गए, लेकिन कहाँ ये अभी पता नहीं चला है। ठीक है, मैं जय को फोन करके बता देती हूँ। हे भगवान, स्वाति की रक्षा करना। हेलो जय। मालूम है वो बहुत अच्छा लड़का था, तेरी वजह से मैं उसको बहुत डांटा करती थी, स्कोल्ड करती थी, सब तेरी वजह से। ओके आंटी। अरे
तू आ गया? चला जा यहाँ से, जल्दी से चला जा मैं कहती हूँ। मैं किसी क्रिमिनल को अपने घर में नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ, मैंने तो तुमको बहुत अच्छा लड़का समझ करके, शरीफ है, अच्छे घर का होगा, बच्चा बनाया, मेरा बेटा बनाया, और तुम तो क्रिमिनल निकला। नहीं आंटी, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। हाँ, हमने लड़की को किडनैप किया था, लेकिन सच में नहीं। अच्छा अच्छा, तो 4 दिन का बेटा मेरे को जो है समझाने की कोशिश करे, मैं उल्लू हूँ। अरे, सारी दुनिया ने तेरा न्यूज टीवी पे देखा था, इवन पोपो ने देखा था। हाँ, दरअसल आंटी, जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है। मुझे पता है, तुमको स्टोरी बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। ओके, हाँ ठीक है। अरे, किधर जा रहा है? चला जाऊंगा कहीं भी। कहीं भी चला जाएगा मुझे छोड़ करके? एक तरफ से मैंने तेरे को अपना बेटा बनाया, और माँ जो है तुमको कभी स्कोल्ड कर रहा है, तुमको बुरा लग रहा है? अच्छा नहीं आंटी, आप तो थप्पड़ भी मार सकती हैं। अच्छा, मार सकती है? मार क्या? तुम जिस दिन से गया है ना, उस दिन से मैं तुम्हारे को जो पसंद आती वो सारी चीजें इतना सारा बना के रखा है, वो कौन खाएगा? चल जल्दी चल, तेरे को मैं खिलाती हूँ। ओके। ये लीजिए। धन्यवाद, हम आपके आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगली मुलाकात दिल्ली में होगी। नमस्ते। सीएम साहब, वो कांस्टेबल की रिपोर्ट आ गई है। फरीद खान ने उसके ही खून को स्याही बनाकर उसके शरीर पर संदेश भेजा है। अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी और उनके साथियों को नहीं छोड़ा, तो अगली लाश आपकी बेटी की होगी। कतई नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले, भले ही मेरी बेटी की जान ले ले, लेकिन मैं उन आतंकवादियों को छोड़ूंगा नहीं। अगर हमने उनकी बात मान ली तो उनकी तो आदत हो जाएगी, चाहे जब भी किसी मिनिस्टर या सीनियर ऑफिसर के बेटे या बेटी को अगवा कर ले, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रख के तमाशा देखते रहेंगे हम, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम लोग क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो? अब भले ही कानून ने तुम्हें बेगुनाह करार दिया हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम अभी तक गुनहगार हो। सर, वो गलती अनजाने में हुई है। हाँ। और उस गलती की माफी आपसे मांगने आए हैं हम। तुम्हारी इस गलती का खामियाजा मुझे और मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सर, हमें क्या मालूम था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सर, हमें हमारी गलती का एहसास है और इसे सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी जी सर, हम लोगों को पता चल गया है कि उन लोगों ने आपकी बेटी को कहाँ छिपा के रखा है। ऑफिसर, आप बैठिए, आपसे इत्मीनान से बात करते हैं। जो कहना था कह दिया, दे दी अपनी सफाई, अब जाओ यहाँ से। उन्हें पता चल गया है कि आतंकवादियों ने स्वाति को कहां छुपा रखा है। तब तो उसे पक्का छुड़ा लेंगे वो लोग। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, वो मेरी भूल थी, पर अब मैं मेरी भूल को सुधारूंगा। नहीं नहीं नील, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, और हम सब मिलकर इस गलती को सुधारेंगे। और वैसे भी स्वाति को मैंने अपनी छोटी बहन माना है, राखी का हक अदा कर भाई का फर्ज निभाना है। तो मैं यहां बैठकर झक मारूंगा क्या? मैं भी चलता हूँ। और इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं साक्षी, हाँ? हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए? अरे नहीं नहीं साक्षी, तुम यहाँ पर रहकर यहाँ जो भी हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचा सकती हो। तुम हमारा इतना काम करोगी ना? ओके। और यार, मैं अपनी बीवी से पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा।
पिछली बार तुमने देखा मेरी शादी टूटते टूटते बची थी, और इस बार उससे बिना पूछे गया तो वो किसी की नहीं सुनेगी। लेकिन ऋषि। उदय, ये ठीक कह रहा है। ठीक है ऋषि, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। यार ये जिंदगी मेरी होती तो कसम से तुम दोस्तों के नाम होती, लेकिन उर्वी भी तो मेरी जिंदगी में बराबर की हिस्सेदार है। मुझे उससे पूछ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। सही है यार, ऋषि अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह, और देखना वो जरूर मान जाएगी। लेकिन अब हमें एक चीज पता करनी होगी कि आतंकवादियों ने स्वाति को रखा कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या समझते हो मैं अपनी चूड़ियाँ तोड़ दूँ या अपने मांग का सिंदूर पोंछ दूँ? हरगिज नहीं। देखो उर्मी, मैं इस काम में शुरू से उनके साथ रहा हूँ, अच्छा या बुरा बराबर का हिस्सेदार हूँ, और अब अगर बीच में उनका साथ छोड़ दूँ तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, मैं इस बात से जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाऊंगा। ये बात मुझे अंदर से कोसेगी। और तुम भी क्या एक कायर की बीवी बनना पसंद करोगी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, हमेशा बस जाना है जाना है जाना है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जब देखो तब। अच्छा तो तुम नहीं मानती मैं जाती कपड़ा धोने? अच्छा सुनो, कब जाना है? छोड़ बे, चल बे, हट हट ना। क्या कर रहे यार? ए, अबे धृतराष्ट्र के वाला दिखता नहीं क्या तेरे को? अबे तुझे दिखता नहीं क्या? अबे सामने बोलता है, सामने बोलता है। ये मेरा स्थान है, काट के रख दूंगा तुम सबको इधर। समझता क्या अपने आपको? ए, तुम लोग कौन हो? चलो रास्ता नापो अपना। ये हमारा आपसी मामला है, हम सब साथ में। आ, साथ में समझा? तो मैं कह रही है ना, हम सब साथ है। सिर्फ मेरे साथ नहीं है। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारा काम करेगा, मैं तो आपको मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ साहब जी। चलो मेरे साथ, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चलो है, हाँ चलो चलो, हाँ, चलो 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 चलो, आराम से चलाना। हाँ हाँ ठीक है, बैठ बैठ, अरे जल्दी बैठो, जल्दी बैठो ना। हाँ। अरे बैठना यार, अरे बैठना यार, चलो चलो। अबे रुक, तो सही बैठने दे, क्या कर रहे हो? सोनरी धरती जठे चांद रो आसमान रंग रंगीलो मन थारो मारो राजस्थान मारो राजस्थान। अरे आप भी तो कुछ बोलो भाई, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मारी भी सुनाओ। ऐसे क्या चुपचाप बैठे हो, घूमने आए हो या मैयत पर आए हो? हम यहाँ घूमने नहीं, किसी की तलाश में आए हैं। तलाश मतलब खोज, मतलब सर्च, मतलब डिस्कवरी चैनल से आए हो? अरे यार यहाँ 15 अगस्त को भी बुड्ढा गुम हुआ होगा ना, तो उसका मिलना नामुमकिन ही नहीं बहुत मुश्किल है। अरे नवाब भाई बात ये नहीं है, एक्चुअली हम अपने दोस्त की तलाश में आए हैं। हाँ। जो हमारी वजह से मुसीबत में पड़ गई है। पड़ गई मतलब लड़की, लड़की मतलब मुसीबत में पड़ गई। एक को ढूंढने चार चार आए हो, इसका मतलब बहुत पैसे वाली लग रही है। दरअसल बात ये है कि उसे फरीद खान नाम के एक आतंकवादी ने किडनैप कर लिया है। अरे 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 फरीद, उतरो 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 यार। नवाब भाई हमारी मदद करो यार, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। भाई मुख्यमंत्री की बेटी है, जो इनाम मांगोगे वो मिलेगा। अरे फरीद खान, नाम सुना है आपने? मौत का दूसरा नाम फरीद खान है। आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं आया। इनाम मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पर मरी जाऊंगा तो कैसे काम आएंगे? समझ में तो नहीं आ रहा है आपके? मौत के मुंह में जाने से अच्छा तो मैं इनाम ही ना लूं, मेरी जाननी विधवा हो जाएगी यार, मैं नहीं कर सकता ये। हम तुम्हें हमारे साथ चलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फरीद खान कहाँ पर मिलेगा। सिर्फ उस तक पहुँचने का रास्ता हमें बता दो। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा यार, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नवाब भाई माना हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते तो हमारी मदद कर सकते हो ना? क्यों भाई? भाई हमें पूरा भरोसा है, अगर नवाब भाई हमारी मदद करेंगे तो हम लोग खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नवाब भाई। ठीक है भाई, कोशिश करता हूँ। अरे अरे आराम से भाई मेरे, मरवाएगा क्या यार? अरे उतरो
ये जगह तुम्हारे लिए महफूज जगह है। अच्छा। मैं फरीद खान की खबर लेके रात को आपसे मिलता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। मस्त है यार। बेटिया थोड़ा सा गरम सूप पी लेना, आपको अच्छा लगेगा। कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काका। मैंने खुशी के मारे नील को बता दिया कि स्वाति का पता चल गया, लेकिन जब नील ने कहा कि उसे उससे प्यार हो गया तो मेरा दिल बैठ ही गया। मैं जानती हूँ कि नील चुपचाप बैठ के तमाशा देखने वालों में से नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसने अपना मन बना लिया था। मैं जय को क्या जवाब दूंगी काका? नील सुबह से न जाने कहां गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है। उसे ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? बिटिया जय बाबा पहली फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं और वो नील बाबा को ढूंढ निकालेंगे। हे भगवान, मेरे नील की रक्षा करना। ये जैसलमेर का मौसम भी बड़ा कमाल का है यार। दिन में इतनी गर्मी कि एसी फेल हो जाता है और रात को साला हीटर कम पड़ने लगता है। यार वो नवाब नहीं आया अब तक। ओ भाई, जान किसको प्यारे नहीं होती। देखा ना फरीद खान का नाम सुनते ही कैसे इधर से उधर भाग रहा था। हाँ। और आखिर वो हमारी मदद करेगा क्यों? क्या लगते हैं हम उसके? तू? थैंक गॉड, अभी तो इसने हार्ट फेल करवा दिया था। सेम। अरे अगर तुम्हारी वजह से हार्ट फेल हो जाता तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। कदा कहीं का। वॉल्यूम। तुम इस तरह से आए क्यों? देख के नहीं घुस सकता था तू? अरे यार, मैं अगर सरेआम आता तो कभी नहीं पहुंच पाता यहाँ पर। आप जानते नहीं फरीद खान को, उसके कुत्ते हर आने जाने वाले को सूंघते हैं। मुझे तो इसलिए बख्श दिया कि मैं जरा सीनियर कुत्ता हूँ। कैसे जान बचा के आया हूँ मैं ही जानता हूँ। ये जैसलमेर से आगे पड़ोसी देश की बॉर्डर। एड़े, हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की जानकारी नहीं चाहिए और ना ही सैनिक ठिकानों का पता। हमें तो फरीद खान चाहिए। ओएल लिटिल नॉलेज डेंजर पाजी। वो हवा का झोंका है, कब कहाँ से निकले कोई नहीं जानता। अरे तो बता ना, फरीद खान कहाँ मिलेगा हमें? ओहो, वही तो बता रहा हूँ पाजी, उसके बारे में उसके खास लोगों को ही पता होता है। तो दूध पी के भैंस की उम्र बता देता हूँ। इस वक्त वो पड़ोसी देश के बॉर्डर को पार करने की फिराक में यहाँ है। क्या? मेरे दोस्त नवाब, तूने अपनी जान जोखिम में डालकर जो हमारी मदद की है हम कभी नहीं भूलेंगे। पर जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना, अपने अम्मी अब्बू को फोन कर लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। मैं भी अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, आपकी दुआ मांगूंगा। सलाम। ए भाई। ए। सलाम। सलाम। ओ, मेरे महबूब। अरे तुम्हें सलाम, सलाम। ओ भाई। हमें सलाम। ओ, और मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी सलाम। ओ। चल भाई, चल भाई, चल चल चल, चल। क्या हाल है उदय? क्या बोलता है समीर, अभी कितनी दूर है यार? अरे यार गर्मी से बुरा हाल हो गया है। मुझे क्या मालूम कितनी दूर है, नील को पूछो वही लेके आया है। बस बस यहाँ रुको। क्या हुआ? क्यों? अब इसके आगे ऊंट जाने वाला नहीं है भैया। क्यों? क्या बात कर रहे हो? ऐसा मत करो भाई। इसका मतलब नवाब भाई का नक्शा यहीं तक था। इसके आगे खंडर तक हमें पैदल जाना होगा। पैदल ही जाना होगा। जगह तो यार यही लग रही है यार। उसने झाड़ कहा था, झाड़ भी यही है। हाँ हाँ यार, अब हमें ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। अगर किसी फरीद खान के आदमी ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार। और वैसे भी आगे का सफर शुरू करने से पहले, मेरा मतलब है कुर्बान होने से पहले, हमें अपनों को याद कर लेना चाहिए। ऋषि,
काम कर घर पे फोन करके अपनी बीवी को बोल दे कि तू विधवा होने वाली है। अबे तू मेरी छोड़ अपनी सोच। अरे मेरा क्या है, एक ही चाचा है और उसको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। सही फिक्र नहीं है। और वैसे भी मेरी फिक्र करने वाला है ही कौन। नील भैया। नील कहाँ हो तुम? आई लव यू भैया। नील वेयर आर यू? आई एम मिसिंग यू अ लॉट। नील हेलो सक्सेना, अभी अभी नील का फोन आया था। हाँ हाँ मेरे फोन पे आया था, जस्ट चेक। कहाँ से आया था? ट्रेस द कॉल, कॉल द कंपनी, कॉल द मोबाइल कंपनी। ट्रेस द कॉल प्लीज एंड कॉल मी बैक, थैंक यू। प्रणाम, माफ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो आप ही लोगों के लिए बैठे हैं, बैठिए। थैंक यू सर। आप जानते हैं कि मैं आपके पास एक जरूरी काम के लिए आया हूं। शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन खुद चलकर किसी के पास आए तो जाहिर है काम जरूरी और बड़ा होगा। एक बार फिर माफी चाहूंगा, आज एक बिजनेसमैन मुख्यमंत्री के पास नहीं आया है, एक बड़ा भाई एक पिता के पास आया है। मिस्टर राठौर, आप जानते हैं आपके भाई की वजह से आज मेरी बेटी किस मुसीबत में फंसी है। 3 रात से मैं सोया नहीं हूं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। उसकी ना समझी थी, पर वो अपने दोस्तों के साथ आपकी बेटी को छुड़ाने गया है, अपनी गलती को सुधारने गया है। अनफॉर्चुनेटली फरीद खान उसे अपनी गिरफ्त न कर लेगा। फरीद, खेल खेल में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि मिलकर हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश करें। We have to combine forces। मिस्टर राठौर, कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जो हथियारों से नहीं जीती जाती, दिमाग से जीती जाती है, और मैं कुछ ऐसी ही लड़ाई लड़ना चाहता हूं। अगर वो इस मुठभेड़ में मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, उसके लोग उसके पोस्टर लगाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं तो उन्हें ऐसी मात देना चाहता हूं कि वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा, शर्म से मर जाएगा। और बाकी जो है, जो मैंने कहा। बाकी जंग के हथियार आपके पास ही हैं? आप निश्चिंत रहिए सर, मैं चलता हूं। प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खन्ना, अकॉर्डिंग टू सीएम्स इंफॉर्मेशन, रूदे नवाब फरीद खान का इन्फॉर्मर है। रूदे नवाब, उसे ढूंढो और तोड़ने की कोशिश करो। जी बहुत अच्छा। फाइंड हिम एंड ब्रेक हिम। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसे कीमत क्या ऑफर की जाए। इतना दो कि एक आतंकवादी देशभक्त बनने पर मजबूर हो जाए। समझ गया ना? ठीक है सर, समझ गया मैं। मिस्टर खन्ना बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर जयचंद ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। ये मिस्टर प्रदीप हैं, हमारे ऑफिस के एक बहुत काबिल ऑफिसर। हेलो सर। आप दोनों को इमीडिएटली मिशन पर राजस्थान निकल जाना है। जी मिस्टर प्रदीप। यस सर। ऑफिस से सारे इंटेल कलेक्ट कर लीजिए। ओके सर। एंड डू द वर्क। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you.
दरवाजा खुला है। क्या बात कर रहे हैं? गजनी होंगे शायद, भूल गए। कहाँ ले जा रहा है? अरे अरे फंसा मत देना भैया। आओ, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। उदय, नील, अबे मुझे भी लेकर चलो, आराम से, आराम से, आराम से। अरे वो चीफ मिनिस्टर तो क्या, हमारी बात तो उसका बाप भी मानेगा। छोटे, वो अपने बाप की इकलौती बेटी है, वो कतई नहीं चाहेगा उसे गवाना। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि वो हमारी बात मान जाए, वो हमारे बंदों को छोड़ दे और अपनी बेटी को ले जाए। यहाँ तो रात भर जागना पड़ता है, कम से कम चैन की नींद तो सोएंगे। जब देखो तब सोने की बात करते रहता है। अरे उसे सरहद पार लेके जाना है, तभी तो हिंदुस्तान की प्रशासन हमारे कदमों के नीचे गिरेगी। आज तो शाही बिरयानी बनी है, आप यहीं रुको, मैं खा के आता हूँ और लेके भी आता हूँ। ओए, जब देखो तब खाने की बात करता है, खाने की बात करता है। तुम्हारा शाही बिरयानी सुनकर हमको भी भूख लगता है, हम भी चलता है तुम्हारे साथ। अगर हम दोनों चले जाएंगे तो यहाँ ठहरेगा कौन? अरे जिसको अपनी जान की नहीं पड़ी वही आएगा यहाँ मरने के वास्ते, चलो। पैसों के चक्कर में मारी हालत सांप छछुंदर जैसे हो गई है, इधर कुआं इधर खाई, अब मरना तो पड़ेगा। नहीं नवाब, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो पुलिस तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी, वो भी हमारे देश में। ये हमारे सीएम साहब का वादा है। और उसके बाद फरीद तो क्या, फरीद का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम तुम्हें पैसे से तौल देंगे। पैसों? हाँ, गाड़ी बंगला जो तुम चाहो हम तुम्हें मुहैया कराएंगे। देखो नवाब, उस नर की जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि वहां तुम्हें कब मौत गले लगा ले तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारा काम होना चाहिए किसी भी कीमत पर, समझे? ठीक है, लेकिन मेरे को अभी जाना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। अगर वो बॉर्डर पार कर गए तो फिर कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे पर मारो वादो। नील, निकलते यार यहाँ से, ये जगह खतरे से खाली नहीं है यार। नहीं ऋषि, यहाँ तक आए हैं तो स्वाति को लेकर ही जाएंगे, मरवाएगा यार ये तो। चल फिर। हाँ चल, अच्छा चल, आराम से। नील, स्वाति, तुम लोग। अबे मजनू, तू क्या देख रहा है, जल्दी करना कुछ। ताला यहाँ क्या करेगा, जो भी करेगा इसके बाहर निकलने के बाद करेगा। ए, जल्दी कर यार, ये ताला भी बंद है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। उधर है। हाँ, चाबी है यहाँ पर, जल्दी करो। तुम लोग क्यों आए यहाँ पर, तुम्हें पता भी है यहाँ कितना खतरा है? नहीं, बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से निकलो यहाँ से। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमने इसे इतनी आसानी से छोड़ा लिया। ये फरीद खान की गई है, किसी नादान बच्चे की। हाँ चलो चलो चलो, हमारा साथ दे रही है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। चल चलो भाई, चलो। अच्छा चल 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 चल, निकल निकल, रुक जाओ। लग गई, ऊपर वाले की नहीं, ये हमारी मेहरबानी है। तुमने क्या सोचा था, हमने कच्ची गोलियां खेल रखी है? शेर के जबड़े से शिकार निकालना एक बार तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन फरीद खान के शिकंजे से निकलना नामुमकिन है। तुम जैसे चिलगोजे चील कौवों को मैं यूं ही चबा डालता हूं। और सुनो, मुंबई से बाहर निकलने के बाद हर पल की खबर थी टैक्सी में बैठना, नवाब गेट से मिलना, होटल से लेकर हमारे अड्डे तक आना,
सबकी खबर थी मुझे। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। बहुत समझदार बच्चे हो। जनाब, ये मुख्यमंत्री की बेटी है, इसके एवज में हम लोगों ने अपने साथियों की रिहाई मांगी है। ये करोड़पति जयचंद राठौर का भाई है, इसका भाई सरकार पर दबाव डालेगा और हमें करोड़ों रुपए देगा, जिससे हम गोला असला बम बारूद खरीदेंगे और इसी हिंदुस्तान के पैसों से हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर डालेंगे। वाह, क्या दिमाग पाया है जनाब। एक बात और, ये हमारे मेहमान है, अच्छे से खिलाओ पिलाओ ताकि सूद समेत वसूल कर सकूं। अरे नवाब भाई, बिरयानी खाने नहीं आया तुम? ऐसे क्या देख रही हो, जान लेने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें सब जानता हूँ, लेकिन तुमसे सुनना चाहता हूँ। I think you love me। प्यार के बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा। पूछा तो भाव खाने लगी। नहीं करती? कुछ खास नहीं। अच्छा, तो वो मैसेज जो तुमने साक्षी को किया था वो क्या था? वो उसने तुम्हें बता दिया, मैंने उसे मना किया था। लेकिन सच में स्वाति, अगर तुमने वो एसएमएस नहीं किया होता तो हम लोग अब तक जेल में चक्की पीस रहे होते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए ना, तशरीफ लाइए ना, आइए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी? किस बात की? क्योंकि आज जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता, मगर मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारे अब्बू के चेहरे से झूठ का नकाब उठ जाएगा। क्या मतलब? अब्बू, अब्बू, अब्बू! तुम्हें टेररिस्ट से डर नहीं लगा? तुम्हारे साथ होते हुए नहीं। लेकिन मैं तो आ जाया हूं इससे पहले। इससे पहले तो मुझे ताजुब हो रहा था, मैं तुम सबको जेल की धमकियां दे रही थी और पलक झपकते ही खुद को मैंने इन सलाखों के पीछे पाया। लेकिन अब तो हम साथ हैं। तुमने मुझे इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या जश्न की तैयारी हो गई? हाँ, मैं फरीद भाई को साथ लेकर आता हूँ। ए चौकरी, हम तुम्हारे वास्ते बुरका लाया है, इसको पहन के तैयार हो जाओ। हमारे को तुम्हारे साथ सरहद पार जाना है। अरे खबेस के बाद चलो, तुम लोग कब से बिरयानी खा रहा है? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जाने का है। चलो जल्दी, चलो चलो। यारो, हमारा आखिरी वक्त आ गया। उदय यार, क्यों तुम लोग मरने की बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। इन लोगों को तुम्हें मारने से पहले मुझे मारना होगा, और ये मेरे भैया को नहीं जानते। हमें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ हो जाएगा,
नासिर जनाब, चीफ मिनिस्टर की बेटी का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा। जनाब, और तुम उन चारों का ख्याल रखो। अरे चलो रे साथियों, तुम लोग आगे जाओ, मैं इनको देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कैसे चल रही है? चलो चलो जल्दी चलो, धूल भरी लग रही है। चलो 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 जल्दी। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, तुझे चैन से आराम नहीं फरमाने दूंगा, और ये हालत तुम्हारे बाप की वजह से हो रही है। चल आजा, चल 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 आजा आजा, चल आजा। आज तेरे बाप को संदेशा भेज देता हूँ, चैन से आराम नहीं फरमाने दूंगा तेरे बाप को। रहमान, वो चारों कहाँ रह गए? जनाब, नासिर उसे लेकर आ रहा होगा, आप बेफिक्र होकर सरहद पार कीजिए। ठीक कहते हो, हम तब तक आराम नहीं फरमाएंगे जब तक सरहद पार न कर ले। चल कमबख्त, चल। अरे कहाँ भाग रहे हो? जल्दी करो, कहाँ भाग रहे हो? चलो चलो। चल अब तू यहाँ आराम फरमा ले। रहमान। हाँ जनाब। जयचंद को फोन लगाओ। हेलो सीएम साहब, नहीं अनु बोल रही हूँ, जय वकील के पास गए हैं बच्चों के बारे में बात करने, उसके बाद शायद वो आप ही के पास आ रहे हैं, गलती से उनका फोन गाड़ी में रह गया। हमारा प्लान कामयाब हुआ मिसेज राठौर, हमारे एजेंट्स बच्चों को लेकर आते ही होंगे, शाम तक नील आपके सामने ही होगा। शाम तक क्यों? मिसेज राठौर, फरीद खान के गिरफ्त से छूटने के बाद बच्चों का मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद फरीद खान के बारे में उनसे पूछताछ होगी। देश में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। सीएम साहब एक मिनट, शायद दूसरा कॉल आ रहा है। ओके। हेलो हेलो, सॉरी मैंने सोचा जय थे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कॉल था शायद। जरूर फरीद खान का ही होगा। देखिए मिसेज राठौर, अब की फोन आए ना तो फोन कॉन्फ्रेंस पर रख देना, उस कुत्ते को जवाब तो मैं दूंगा। सीएम साहब फिर आ रहा है, एक सेकंड। जयचंद राठौर, चीफ मिनिस्टर की जान और तुम्हारी शान दोनों हमारी सरजमीन पर है, क्यों लेगा ना झटका? बेटा बेटा होता है और बाप हमेशा बाप ही होता है। झटका तो तुम्हें लगेगा जब पर्दा खोलकर सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम दाल रोटी खाने वाले जरूर हैं,
लेकिन वक्त आने पर अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा देते हैं, याद रखना। हीना, नहीं नहीं, या अल्लाह, खबीस का बच्चा, काफी, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। तेरे जैसे लोग हमारे मुल्क में रहे तो बदकिस्मती हमारी तकदीर बन जाएगी। थू, ए पाक परवरदिगार, ए अल्लाह मेरे, ना तो मैं वतन की हिफाजत कर सका, ना मुहाफिज रह सका और ना अपनी बेटी की हिफाजत कर सका। मुझे तो दोजख में भी कोई जगह नहीं मिलेगी। ए रब मेरे, मुझे माफ कर देना। या अल्लाह। जय जय, हमारा नील घर वापस आ रहा है। हाँ, कल तुम जितना मर्जी इतरा लेना मुझे हराने की खुशी में, बस जल्दी घर आ जाओ। संभल के स्वाति, चलो चलो जल्दी, स्वाति संभल, जल्दी चलो यार, मत उतारना, ऐसे जल्दी करो, चलो चलो, अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, चलो उठो, थैंक यू नवाब, चलो जल्दी करो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नील, ये कहाँ ले आए हमें? लगता है ये हमें मार देंगे। अरे जब तक हिंदुस्तान में थे तो बचने की उम्मीद तो थी। अरे यार, तुम हिंदुस्तान में ही हो, यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने का रास्ता नजदीक है और तुम्हारे लिए राठौर साहब ने चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की है। जब तक फरीद खान और उसके आदमी यहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना है। समझे बात को? चलो चलो, चलो रे चलो, टाइम पास मत करो, चलो चलो। मैंने कहा था ना, मेरे भैया हमें कुछ नहीं होने देंगे। भगवान, मुझे किसी और पर नहीं, सिर्फ तुम पे भरोसा था। आज मेरे नील को बचाकर तुमने यकीन दिला दिया कि श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। तुमने कर दिखाया भगवान, कर दिखाया। सर, आपका काम हो गया, हम उन्हें ले आए। थैंक यू। स्वाति बेटा, पापा। मेरी बेटी, कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ पापा। अच्छी है ना? हाँ। सर, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं बेटा, थैंक यू। सर, मेरे भैया, तुम्हारे भैया बेसब्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ, हम भी वहां पहुंचते हैं। थैंक यू। जयचंद साहब, इस मिशन में आपको और सीएम साहब का क्या योगदान है? कुछ भी नहीं, बस इन बच्चों की करामात है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि आपने और सीएम साहब ने मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। आप लोग कुछ ज्यादा ही सुनते और समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यार, इस एक चीज ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। पर एक बात है दोस्तों, जयचंद राठौड़ ने अपने भाई नील को जो वादा किया था वो निभाया यार। और तो और, हमारे लिए स्टूडियो बनवाया और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा म्यूजिक भी प्रमोट किया। थैंक यू पापा, बाय बाय। She is cuter than a newborn, hotter than the old dawn. Always had a groove on, helped me move on. Everything was right, none could go wrong. My life was bright, the bond was so strong. Everybody knows, yeah, ishq soniye. Everybody knows, yeah, pyar soniye. Everybody knows, I like you soniye. Everybody knows, meri chahat tu. Aur jatt Punjabi, kudiya gulabi, tujhpe marta hai kyun? दिल ताशा ताशा करता है क्यों?
everybody knows yeh pyar soniye, everybody knows I like yeh soniye, everybody knows meri chaah hai tu, aur jatt punjabi kudiyan gulabi tujh pe marta hai kyun, o dil taasha taasha, dil taasha taasha karta hai kyun, dil taasha taasha, o dil taasha taasha karta hai kyun, dil taasha taasha. हो जाए तेरे नाल जगोटी छूलू मैं एवरेस्ट दी चोटी सरसों दे साग मके दी रोटी गुड़ जैसी लाइफ होगी मीठी एक बारी कुड़िए तू हां कह दे अब दे दूंगा मैं ये जा कह दे तेरे ब्यूटी फिगर पे तिरछी नजर पे बंदा फिदा है क्यों दिल ताशा ताशा करता है क्यों दिल ताशा ताशा गड़ी खम्मा रोते नवाब का सलाम सलाम अरे सलाम। पर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? मैं थारे को ढूंढते थारे स्टूडियो गया था थारी शक्ल नहीं दिखी आज की तारीख देखी मैं आ गया क्या? क्या अरे भाई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मेरे को पता था आप यही मिलोगे आज की तारीख और आज की इस जगह ने तो तुम्हारी किस्मत बदल दी इसी तारीख ने तो मेरी भी किस्मत बदल दी तो एक बार फिर बता दीजिए नवाब साहब कि फरीद खान के अड्डे से हम छूटे कैसे हाँ बता दो हाँ बता दीजिए बता दीजिए यार एक बार क्या दो बार बता दूंगा भाई ये तो थारी समझ में आ गया कि अल्लाह एक बार गलती माफ करने का मौका तो जरूर देता है बिल्कुल मैंने गद्दारी की वतन के साथ फरीद खान के डर से अब सीएम साहब के एजेंट और राठौड़ साहब के वकील ने मुझे पकड़ लिया और बोले कि या तो इन तीनों की मदद कर नहीं तो भारतीय इंटेलिजेंस डिच के आओ मन ने सोचा कि ये गलती सुधारने का मौका भी है और भारत सरकार से हाथ मिला लिया बिल्कुल और मारी भी जिंदगी बदल गई नासिर की मदद से हमने फरीद खान की बेटी को उठा लिया उसका मुंह बंद किया बुरखा पहनाया और स्वाति की जगह बैठा दिया ये सब करने के लिए फरीद खान का ध्यान बटाना बहुत जरूरी था वो हमने सीएम साहब की मदद से जो जश्न रखवाया था उसी में फंस के रह गया जशन की आड़ में सीएम साहब के इंटेलिजेंस एजेंट भी वहाँ पर आए हुए थे अगर मेरा मिशन फेल भी हो जाता मेरा आइडिया 1921 भी हो जाता तो सीएम साहब के एजेंट तुम्हें बचा लेते दुख इस बात का है कि हिना को उसके वालिद का असली चेहरा दिखाने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी पर हम फरीद खान को बताना भी चाहते थे कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटने वाले जब उसके घर में चिंगारी पड़ती है तो उसका क्या हाल होता है बिल्कुल और मुझे तो सही बात सीएम साहब के एजेंट ने बचा लिया और उन्होंने मेरे सारे गुनाह माफ भी कर दिए मेरा फायदा भी तो हुआ और जयचंद राठौड़ ने मुझे इतने पैसे दिए कि मेरा जनरेटर भी भूल नहीं सकता मेरी जनरेशन भी भूल नहीं सकती और सीएम साहब तो हमसे इतना खुश हुए कि चैनल से कहकर हमें ऑडिशन देने का एक और मौका दिलवा दिया अगर हम उन लड़कों को चांस दे दें तो चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट बनकर हमारे शो में आएंगे और हमारे शो की टीआरपी बढ़ जाएगी ठीक है मिस्टर मुखर्जी मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूँ इन चारों लड़कों को चांस देने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट बन के आएंगे हमारी टीआरपी बढ़ेगी इसलिए मैं इनको मौका नहीं देना चाहता हूँ लेकिन इसलिए मौका देना चाहता हूँ कि शायद इन्हीं चारों में वो हीरा छुपा हो जिसकी हमें तलाश है और हाँ हमारे ताशा के पैसे भी दुगने हो गए बता तो रात 1 करोड़ से 2 करोड़ वाव लेकिन एक बात तो है ताशा ताशा ने हमें वर्ल्ड टूर तो जिता दिया लेकिन मैं जीता किसको दोस्तों
बहुत दिनों से मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। क्या भाई? हाँ वैसे हमें पता है तू क्या बताना चाहता है। क्या? अरे बताना, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? यार वो साक्षी है ना? हाँ अपनी साक्षी। हाँ क्या उसका क्या? हाँ हाँ ना, वो मैं साक्षी को अच्छा बेटा समझ गए तू साक्षी को। अबे पागल, डाउट तो हमें पहले से ही था। यार कितना रोमांस करोगे तुम? देख बेचारे ऋषि की हालत देख, इसके बाद भी ये उल्लू का पट्टा शादी के दलदल में फंसना चाहता है। मुझे तो नील और ऋषि की हालत पे तरस आता है। और वो अपना नील, जिस भाई को आप लोग मेरी पोजीशन का सबसे वीक लिंक मानते थे, आज उसका बड़ा भाई होने का गर्व है मुझे। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ब्रावो, वेल डन, वेल डन, वेल डन नील, गॉड ब्लेस। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए, मैं इनकी नासमझी को नादानी समझकर माफ करता हूँ, और अब तो इन्हें गले लगाने का दिल कर रहा है। नील, पन्नू, नील, नील, तू ठीक तो है? जी भाभी। जिसके साथ आप दोनों का आशीर्वाद हो उसे भला क्या हो सकता है। हाँ, बहुत समझदार हो गया है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब वक्त आ गया है इसके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ डालने का। क्या कहते हैं सीएम साहब? बिल्कुल सही, मैं तो कहता हूँ पंडित को बुलाकर तारीख वगैरह तय कर लेते, अच्छा रहेगा। क्या ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे यार, यार ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ यार बेटा, कर ले सजाए काले पानी की तैयारी। कर ले नहीं यार, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। हैं? क्यों? लौंडा भाव खा रहा है। देख चेहरा देख, लड्डू फूट रहे हैं अंदर में, पता है आपको? कुछ भी पता। स्वाति को हनीमून ले जाने के चक्कर में हमें छोड़कर भाग गया, और ऋषि तो पहले ही उर्मी के इशारों पर नाचता है। अब बस एक ही अकलमंद बचा है, वो मैं हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठ। वो मैं हूँ। अरे मुझसे कुछ सीखो यार, आजाद परिंदे की तरह रहता हूँ। अच्छा, लगता है इस परिंदे के पर काटने पड़ेंगे। चलाट ये ले। चलो फिर मिलते हैं। अरे रुको, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे अरे मुझे भी ले लो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे भाई तुम दूसरी गाड़ी से आ जाओ। जिसका कोई नहीं होता उसका 11 नंबर की बात होती है। फरीद खान को लगा था कि वो मेरे नील और उसके दोस्तों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करेगा, पर उसे पता नहीं था कि उससे भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी ऊपर बैठा है, जो उसके चाल चलने से पहले अपना दाव खेल चुका था। आज मैं अपने परिवार और भगवान की दी हुई इस जिंदगी से बेहद प्यार करता हूँ। आई मीन लव बिडू। तेरी नजर की एक छुवन से दिल में है मीठी चुवन सी, सांसों में घुलने लगे मदहोशी। ऋषि कहाँ है? समीर कहाँ है? समीर कहाँ है? समीर, अच्छा यार समीर छोड़ यार अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी रात हम और भास्कर जागे हैं और इस गाने पे काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मुझे बताइए। सुनाओ सुनाओ। दिल की हर धड़कनों में। कौन सिंगर? एक लड़का है बुद्धा, और उसके साथ एक सैन फ्रांसिस्को की मशहूर सिंगर है टोरी। गाना तो बड़ा अच्छा है। अच्छा लगा आपको? अरे यार टोरी ने केक मंगाया आप लोगों के लिए, आपने उसको ब्रेक दिया ना। अरे यार सुबह से केक खाने का मनाने का मन कर रहा था कसम से। तूने किया क्या? चलो फिर केक खाते। चलो चलो यार। तेरे प्यार की खुशबू से बहके है जिस्म जा, बहके है जिस्म जा। ये केक? हाँ वही केक। आज तो इसके हलक में साठ डाला। अब दूर होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जाने मैं कहाँ। अमला
I'm in love, I'm in love, all the way. में लाएंगे हम तुझे, मांगेंगे रब से करके दूं।